बताइए सफर के लिए ना बताएं। जहाँ तक इस सुहाने सफर में जो लोग शामिल हैं, जो श्रोता हैं, काफ़ी हर एज ग्रुप के लोग इसको सुन के इंजॉय कर रहे हैं। जब तक उनको ये सफ़र सुहाना लग रहा है तो मैं तो गाड़ी का ड्राइवर हूँ, सुहाना सफ़र करने वाला। मैं गाड़ी ठीक ठाक चलाऊँ, किसी को धक्का नहीं लगे, सबको आनंद आए इस सुहाने सफ़र में, यही मेरी कोशिश है। सर कितना टाइम हुआ अगर बात करें पीरियड को, जो अभी सीडी में जो बनाया है, कितना इसमें मटेरियल है, कब से स्टार्ट हुआ आज तक का सफ़र की अगर बात करें? इन्होंने कुछ सेलेक्टेड कुछ किया है, उसको एलाबोरेट अर्पिता भट्टाचार्य ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगी कि सीडी में क्या क्या है, लेकिन सेलेक्टेड कुछ ट्रिवियाज और गाने उसमें डाले होंगे मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है। सर जितने कलेक्शन में जितने भी सेलिब्रिटीज़ के लाइफ हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इफेक्टिंग या इंस्पायरिंग कौन सेलिब्रिटी का लाइफ लगा? मीना कुमारी हैं, सायरा बानो हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं। देखो भाई, लाइफ तो अपने आप में रिक्शे वाले की भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा कि किसकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मीना कुमारी की लाइफ इंटरेस्टिंग है कि धर्मेंद्र अपना गांव छोड़कर जब माँ की दुआओं के साथ जब मुंबई पहुंचे, उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है कि देवानंद मिलिट्री में काम करते हुए हीरो बन गए, उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है। ये कहना मुश्किल है, सभी इंटरेस्टिंग है, सबकी जिंदगी में उतार चढ़ाव है। सुरैया और देवानंद साहब का प्रेम प्रसंग, जिसमें सुरैया की नानी जी ने कभी देवानंद और सुरैया के रिश्ते को मंजूर नहीं किया, वजह दूसरे धर्म के थे। दूसरी वजह, जब उन दोनों के बीच में प्रेम का अंकुर फूटा था तब देवानंद हीरो नहीं थे, सुरैया बहुत बड़ी स्टार थी। और किसी की याद में, देवानंद की याद में जिंदगी के 74 साल उन्होंने गुजार दिए, किसी से शादी नहीं की उन्होंने, देवानंद की याद में। ये बड़े बड़े किस्से हैं। नंदा जी की बात करेंगे, आशा पारिक जी की बात करेंगे, हर एक जिंदगी के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग मोमेंट्स आपको मिल जाएंगे। वो राज कपूर की जिंदगी हो, वो गुरुदत्त की जिंदगी हो, महमूद साहब की जिंदगी हो, शम्मी कपूर की जिंदगी हो, हम उन जिंदगियों के कुछ सेलेक्टेड किस्से अपने श्रोताओं के साथ शेयर करते हैं जो उनको बहुत पसंद आते हैं। उसमें श्रृंगार भी होता है, प्रेम प्रसंग भी होता है, रोमांस भी होता है, कॉमेडी भी आ जाती है कभी कभी। लेकिन जिंदगी जो है उसमें हर तरह के रंग हैं। जिंदगी सिर्फ हंसने गाने का नाम नहीं है, जिंदगी में रोना और आंसू भी हैं। ये रोने को, आंसुओं को और हंसने और गाने को, दिल की थोड़ी सी टूटन को और चेहरे की मुस्कान को, सबको एक जगह जब समेट ले लाओगे तभी वो जिंदगी बनती है। ऐसा नहीं हो सकता दुनिया का कोई आदमी कि सारी जिंदगी भर हंसता रहा हो, और ऐसा भी नहीं है कि सारी जिंदगी भर कोई आदमी रोता रहा हो। तो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव, सुख और दुख दोनों का या संयोजन का नाम है जिंदगी, जिसको हम आपके सामने इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करते हैं। और सहारा है हमारे पास फिल्म के गानों का, 1931 से लेकर हमारे उसमें तो हमने कोशिश की थी 1955 से ले 1985 तक के गाने, लेकिन कभी कभी इस सीमा को भी पार कर जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम तो आपको 1940 के भी गाने सुनाएंगे। श्रोताओं की मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, श्रोताओं के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सर कितना नशा है पुराने गाने की बात करें, कितना मजा है, अलग ही वो है। अंताक्षरी से लेके आज तक का जो है, पुराने गानों के लिए आप जाने जाते हैं, एक से एक बेहतरीन गाने, कितना नशा है, कितना मजा है पुराने गानों में,